आगे बढ़ते हैं, यूपी चुनाव के रण की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लॉन्च करेंगे अपनी मैनिफेस्टो, यूपी चुनाव के लिए यूथ मैनिफेस्टो वो जारी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस अपना घोषणा पत्र यहां पर जारी करेंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूथ मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेंगे। आपको बता दें कि जब अपने यहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, तब वहां पर भी यूथ को ही आगे रखा गया था, महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा था। जिस तरीके से वादा प्रियंका गांधी ने किया था वो उन्होंने पूरा किया, वो यहां पर वो कहती हुई नजर आई, और अब यूपी का जो रन है उसमें यूथ मैनिफेस्टो जो है वो यहां पर जारी करेंगे। वहीं दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। अदिति, क्या कुछ लुभावने यहां पर वादे हो सकते हैं घोषणा पत्र में, और इसे यूथ मैनिफेस्टो भी कहा गया है? देखिए, ये बात साफ है कि कांग्रेस जो है 2024 के मद्देनजर तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस खुद भी, प्रियंका गांधी खुद भी जिस तरीके से तैयारी है या फिर जिस तरीके से उनके प्रचार चल रहे हैं, उनकी जो नजर है, उनका जो विजन है वो 2024 का है। लेकिन आज जो इस मैनिफेस्टो को यूथ मैनिफेस्टो कहा गया है, इसका भी उसी तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि आज जिन लोगों को वादे किए जाएंगे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, तमाम तरीके की कभी पिन कलर की स्कूटी है, तमाम चीजें हैं, ये वादे फुलफिल आगे, क्योंकि सरकार तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति है पंजाब में, लेकिन ये सारी चीजें कन्वर्जन होगा 2024 में। लेकिन आज यूथ मैनिफेस्टो है, 12 बजे प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम बातें करते हुए युवाओं के आगे बढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई, उनके उनकी पढ़ाई को, उनके जीवन को थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली बनाने को लेकर, उनकी सुविधाएं बढ़ाने को लेकर और उनके जीवन को और इजी बनाने को लेकर तमाम चीजों को यहाँ पर लुभावनी बातें हो सकती है पूनम। लेकिन आज जो दोनों भाई बहन मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे, उसमें जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज होगी, उसमें जो वो यूथ को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, और इसका सबसे बड़ा बात यही है कि वो 2024 में यही तमाम लोग जब वोटर की लिस्ट में होंगे या जब वो वोट देने वाले स्थिति में होंगे, तब कांग्रेस की तरफ आगे आकर या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की तरफ आगे आकर वोट करें। आज जो तैयारी होगी वो उसके मद्देनजर होने वाली। बिल्कुल, आपने ये कहा कि यूथ को मद्देनजर, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, महिला को लेकर बात हो, वो भी इस पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, योगी की हम बात करें, तो उन्होंने कहा है कि यूथ को लेकर हमने बहुत ज्यादा काम किया है, शुरुआत से ही हमने काम शुरू कर दिया था, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कॉलेज हो या फिर बाकी जो स्कूल हो। लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर लेकर ज्यादा फोकस रहेगा, जिसे लेकर योगी को ये प्रियंका गांधी घेरती हुई नजर आ सकती हैं? चलिए आगे एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे अदिति नागर को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमें अपडेट दिया है कि 12 बजे के करीब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे और महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, यूथ मैनिफेस्टो इसका नाम रखा गया है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है यूथ मैनिफेस्टो में अहम रहने वाले हैं।